हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा रही हूँ। इससे पहले आप लोगों को ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वो पता होना बहुत जरूरी है। अगर वो आपको पता नहीं है तो मैं यहाँ पे राइट अप कॉर्नर पे शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप पहले ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वो पहले समझ लीजिए और फिर वाला वीडियो आप रिज्यूम कर सकते हो। कंटेंट को जाने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब तक आपने मेरे चैनल टेक टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। सबसे पहले हम देखते हैं ट्री ट्रैवर्सल्स क्या होते हैं। अभी मैं अज्यूम करती हूँ कि आप लोगों को ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स पता है, और अगर ट्री डेटा स्ट्रक्चर पता है तो आपको ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि हमें ट्री को ट्रैवर्स कैसे करना है। उसके लिए हमारे पास दो टेक्निक्स है, डीएफएस और बीएफएस। डीएफएस जो होता है वो होता है डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल टेक्निक, और बीएफएस जो होता है वो होता है ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल टेक्निक। दोनों नाम से ही हमें बता देते हैं कि ये डेप्थ में जाके ट्रैवर्स करता है और ये ब्रेथ अकॉर्डिंगली ब्रेथ वो ट्रैवर्स करता है। डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल टेक्निक फिर से डिवाइड होते हैं इन थ्री टेक्निक्स में, जो होते हैं प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल टेक्निक्स, जो कि मेनली डिपेंड करते हैं रूट नोड की पोजीशन पे। ये सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्शन टू ट्री ट्रैवर्सल वाले वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं यहाँ पे उसके लिए भी शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। और अभी हम देखते हैं ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल क्या होता है। तो ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल जो होता है वो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है, जो कि जो कोई बाइनरी ट्री आपके पास है वो आप लेवल से ट्रैवर्स कर सकते हो। तो चलो हम आगे देखते हैं हमें मेनली यहाँ पे किस पे फोकस करना है। तो जो जैसे मैंने बोला था, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल टेक्निक जो होते हैं वो तीन टेक्निक होते हैं, उसमें से हमें इस वीडियो सेशन में बाइनरी ऑर्डर ट्रैवर्सल पे फोकस करना है। और आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, जो कि डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल टेक्निक्स होते हैं उसके लिए हमारे पास बाइनरी ट्री होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बाइनरी ट्री है तो ही आप डेप्थ ट्रैवर्सल कर सकते हैं, अदरवाइज आप वो कर नहीं सकते, क्योंकि इसका रीजन है, बाइनरी ट्री जो होता है उसको हमेशा एक रूट नोड और उसको एक ही लेफ्ट चाइल्ड और एक ही राइट चाइल्ड होता है। तो अगर बाइनरी ट्री आपके पास है तो ही आप कौन सा भी एक डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो सीरीज में मैं इन ऑर्डर पे फोकस कर रही हूँ। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के बारे में तो मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो चलो देखते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का सिक्वेंस क्या होता है। सिक्वेंस माने जिस ऑर्डर में हमें ट्री ट्रैवर्स करना है उसका ऑर्डर क्या होता है। तो इन ऑर्डर इसका मतलब है रूट की जो पोजीशन होती है वो इन बिटवीन होती है, जो कि लेफ्ट नोड के बाद पहले आती है। तो यही मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमें सबसे पहले लेफ्ट नोड या लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स करना है, उसके बाद हमें रूट को प्रोसेस करना है, और एट द एंड हमें राइट नोड को प्रोसेस करना है या राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करना है। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस जो हमेशा हमें याद रखना है इन ऑर्डर के लिए। हमारा रूट नोड जो होता है इन बिटवीन होता है लेफ्ट और राइट सब ट्री या नोड से और चाइल्ड नोड से। अभी मैं यहाँ पे ये सारी चीजें आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये हो गया आपका सिंपल वाला एग्जांपल, जहाँ पे मैंने ए को रूट नोड बना दिया है, बी को लेफ्ट चाइल्ड और सी को राइट चाइल्ड बना दिया है। अभी अगर मुझे ये ट्री ट्रैवर्स करना है थ्योरेटिकली तो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट को जाएंगे, लेफ्ट हो गया आपका बी, तो मैं यहाँ पे बी को प्रोसेस कर रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने बी को प्रोसेस कर लिया है। अभी हमें लेफ्ट चाइल्ड तो हो गया, अभी कहाँ पे जाना है, ये हो गया। अभी लेफ्ट चाइल्ड को लेफ्ट चाइल्ड मतलब बी को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, बी को राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो हमें कहाँ पे जाना है, हमें प्रीवियस लेवल पे जाना है।
आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इस एरो से आपको बताया है कि ये बी होने के बाद हमें कहाँ पे जाना है, फिर से रूट नोड पे जाना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि आप प्रीवियस लेवल पे कैसे मूव होंगे, क्योंकि अगर आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर पता है तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो लिंक होती है वो हमेशा पेरेंट नोड से चाइल्ड नोड तक होती है। पर अगर हमें चाइल्ड से पेरेंट तक जाना है तो वो कैसे पॉसिबल है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम ए अभी रूट नोड पे आ गए हैं तो लेफ्ट हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारी है टू ट्रैवर्स रूट नोड। तो हमारा रूट नोड क्या है, हमारा है ए, तो मैंने ए को ट्रैवर्स कर लिया, प्रोसेस कर लिया, डिस्प्ले कर लिया। अभी ए के बाद हमें कहाँ पे जाना है, हमें ए के राइट साइड को जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप हमारा है टू मूव टू द राइट साइड, एंड राइट चाइल्ड को मूव होना है मतलब कि हमें सी को यहाँ पे प्रोसेस करना है। यहाँ पे मैं सी को प्रोसेस कर रही हूँ। तो ये हो गया आपका इन ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल, बट ये हो गया थियोरेटिकली। तो हमारा मेन जो क्वेश्चन है कि हमें जो ये मैंने अभी आपको दिखाया, जो कि हमें लेफ्ट चाइल्ड से अगर फिर से हमें रूट नोड पे जाना है, इसका मतलब चाइल्ड नोड और चाइल्ड लेवल से हमें पेरेंट लेवल तक जाना है, तो हमें वो कैसे करना है, तो हमें क्या क्या मुझे एक्सप्लेन करना है। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि हमें बी से फिर से ए नोड तक कैसे जाना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि हमें ये कैसे करना है, तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। तो वो सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन है रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव अल्गोरिदम्स। तो ये जो अल्गोरिदम्स है ये आपको हेल्प करेंगे आपको आपको लो लेवल से मतलब कि चाइल्ड लेवल से पेरेंट लेवल तक मूव होने के लिए। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते रिकर्सिव इन ऑर्डर बाइनरी ट्रैवर्सल पे फोकस कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको रिकर्सिव वाला एल्गोरिदम एक्सप्लेन कर रही हूँ। नॉन रिकर्सिव वाले एल्गोरिदम के लिए आप मेरे चैनल टेक टॉक्स पे ट्यून रहिए। अगले वाले वीडियोस में मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। तो चलो देखते हैं रिकर्सिव एल्गोरिदम क्या होता है। इसके लिए आपको रिकर्सिव ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। रिकर्सिव रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन में हमेशा और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें पता नहीं है तो मैं मेरे प्रीवियस वाले वीडियो का यहाँ पे शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज उसको देख लीजिए, जान लीजिए और फिर ये वाला वीडियो आप रिज्यूम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम अल्गोरिदम की स्टेप्स क्या है वो देखते हैं अभी यहाँ पे अल्गोरिदम मैंने जो एक्सप्लेन किया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन ऑर्डर एक फंक्शन लिखना है और जिसको हमें रूट नोड पास कर देना है। सबसे पहली कंडीशन हमें चेक करनी है कि अगर हमारा रूट नोड नल नहीं है। अगर हमारा रूट नोड नल है तो हमें ये सारी चीजें कुछ भी नहीं करनी है, हमें डायरेक्टली एग्जिट हो जाना है। पर अगर हमारा रूट नोड नल नहीं है, इसका मतलब कि हमारे ट्री में और हमारा रूट नोड कोई वैल्यू कंटेन करता है, स्टोर करता है, तो हमें सबसे पहले फिर से रिकर्सिवली इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करना है और उसको हमें लेफ्ट चाइल्ड पास कर देना है। लेफ्ट चाइल्ड पास करके वो फिर से इस फंक्शन पे आ जाएगा और जो आपने लेफ्ट चाइल्ड पास किया था वो आपका रूट नोड बन जाएगा। वो फिर से चेक करेगा आपका रूट नोड नल है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर से आपको इन ऑर्डर कॉल करना है, उसको लेफ्ट चाइल्ड पास कर देना है और फिर से यहाँ पे जाके आपको चेक करना है कि आपका रूट नोड नल है या नहीं। आपको ये सारी चीजें रिकर्सिवली रिपीट करनी है जब तक आपका रूट नोड नल नहीं हो जाता। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब आप रिकर्सिव फंक्शन यूज करते हो कौन से भी टास्क के लिए, तो आपको वहां पे एग्जिट पॉइंट देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप एग्जिट पॉइंट नहीं देते हो तो आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहेगा और आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब आप रिकर्सिव फंक्शन यूज कर रहे हो तब आपको एग्जिट पॉइंट देना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है,
तो अभी ये जो फंक्शन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है उसके लिए अगर आप सोच रहे हो तो मेरा एग्जिट पॉइंट है ये इफ कंडीशन। अगर आपका रूट नोड नल नहीं है तो हमें ये कंटिन्यू करना है एग्जीक्यूशन रिकर्सिवली, और अगर ये रूट नोड हमारा नल है तो हमें यहाँ से एग्जिट हो जाना है। तो ये हो गया आपका एग्जिट कंडीशन। चलो मान लो कि आपका रूट नोड अभी नल हो गया है, तो अगर रूट नोड आपका नल हो गया है तो आपको रिटर्न बैक जाना है आपके प्रीवियस फंक्शन कॉल पे, जहां से आपने फंक्शन को कॉल किया था। अभी और एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जहां तक कि रिकर्सिव फंक्शन कॉल का सवाल है, हर एक फंक्शन कॉल के लिए ये सेपरेट सेट ऑफ वेरिएबल्स बनाता है। सेपरेट सेट ऑफ वेरिएबल्स जो होते हैं, मैं आपको ये सारी चीजें नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि यहाँ पे सेपरेट सेट ऑफ वेरिएबल वो कैसे बनाता है। पर यहाँ पे ये मैंने पॉइंट रेज किया इसलिए क्योंकि यहाँ पे जहां तक कि लेफ्ट चाइल्ड का नल होने का सवाल है, मतलब कि रूट नोड का नल होने का सवाल है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो के वो डायरेक्टली एग्जिट हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट को जाएगा जहां से आपने प्रीवियसली कॉल किया था। तो अभी जो करंट रूट नोड होता है आपका, वो आपका रूट नोड अभी प्रोसेस हो जाएगा, मतलब कि डिस्प्ले हो जाएगा, और आपका नेक्स्ट स्टेप है उसका राइट चाइल्ड को रूट नोड बना के फिर से फंक्शन कॉल करने का। तो यहाँ पे राइट चाइल्ड हम पास करेंगे फिर से इन ऑर्डर फंक्शन को, फिर से वो यहाँ पे जाएगा, उसको रूट नोड वो बना देगा, यहाँ पे वो चेक करेगा कि रूट नोड नल है या नहीं। अगर मेरा रूट नोड नल नहीं है तो फिर से करंट वाले रूट नोड का लेफ्ट चाइल्ड हम चेक करने वाले हैं कि अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो फिर से वो एग्जीक्यूट होगा टिल आपका जो करंट रूट नोड है वो नल नहीं है, और अगर वो नल है तो हमें उसको प्रोसेस करना है और उसके राइट चाइल्ड को जाना है। तो हमें ये सारी चीजें रिपीटेडली यहाँ पे करते जानी है जब तक हमारा पूरा एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता। तो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर रही हूँ, उससे पहले आप एक बार फिर से फोकस कर लेना कि यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करनी है रूट इज नॉट इक्वल टू नल। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें रिकर्सिवली इन ऑर्डर फंक्शन कॉल करना है, और सबसे पहले हमें लेफ्ट चाइल्ड पास करना है। उसके बाद क्योंकि आपका सिक्वेंस जो है इन ऑर्डर का वो होता है लेफ्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट देन रूट देन राइट, ये सिक्वेंस हमें फॉलो करना है। सबसे पहले लेफ्ट देन रूट एंड देन रिकर्सिवली फंक्शन कॉल फॉर राइट। सो इन दिस वे आपको ये रिकर्सिवली फंक्शन कॉल करना है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव होने के बाद यहाँ पे मैं आपको ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसपे मैंने ये यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट ब्लॉक्स यहाँ पे मैंने बनाए हैं। ये ब्लॉक्स मैंने क्यों बनाए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये एक चीज बता देती हूँ कि जो कि मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले बोला था कि रिकर्सिव फंक्शन कॉल में सेपरेट सेट ऑफ वैल्यूज जनरेट होते हैं, स्टोर होते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये सारे ब्लॉक्स बनाए हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो ट्री है उसके लिए मैं ट्री ट्रैवर्स कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन कॉल से। ये हो गया आपका फंक्शन कॉल। यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट बताने वाली हूँ, जो कुछ रिजल्ट जनरेट होने वाला है इन ऑर्डर से, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल रिकर्सिवली करने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन ऑर्डर मैंने रूट नोड पास कर लिया। रूट नोड हमारा क्या है करंटली, तो रूट नोड है ए। यहाँ पे मैंने वो कॉपी जनरेट की है जो कि हर एक ब्लॉक में अलग होगी। आपको मैं टाइम टू टाइम ये सारी चीजें एक्सप्लेन करती रहूंगी। जस्ट आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि हर एक ब्लॉक के लिए सेट ऑफ वैल्यूज हम अलग अलग बनाने वाले हैं, उसकी वैल्यूज अलग अलग होती है। तो ये हो गया आपका वेरिएबल रूट, जिसमें करंटली हमारा रूट नोड है ए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंडीशन है, हमें रूट की वैल्यू चेक करनी है। अगर वो नल नहीं है तो ही हमें आगे जाना है स्टेप वन को। स्टेप वन हमारा क्या है, फिर से हमें इन ऑर्डर फंक्शन कॉल करना है जिसमें ए का लेफ्ट चाइल्ड हमें पास करना है, रूट नोड जो करंट रूट नोड है उसका लेफ्ट चाइल्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, बी। और एक चीज, यहाँ पे अगर मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ तो वो इस अलग ब्लॉक में जाएगा जिसमें हमारे रूट नोड की अलग वैल्यू, अलग से हमें रूट नोड डिक्लेयर करना होगा और अलग से उसमें वैल्यू स्टोर होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एरो
यही इंडिकेट कर रहा है। फिर से हमें इन ऑर्डर, क्योंकि ये जो कॉल है फंक्शन कॉल है वो रिकर्सिवली कॉल होगा इन ऑर्डर को। और अभी हमारा करंट रूट नोड क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा करंट रूट नोड है बी। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो अगला वाला स्टेटमेंट जो है वो हमें चेक करना है, रूट नोड हमारा नल है या नहीं। हमारा रूट नोड अभी नल नहीं है इसलिए वो आगे अगली स्टेप पे जाएगा। अगला स्टेप है फिर से हमें इन ऑर्डर फंक्शन कॉल करना है जिसमें हम करंट रूट नोड का मतलब बी का लेफ्ट चाइल्ड पास कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो बी जो है हमारा वो लीफ नोड है, लीफ नोड है इसका मतलब उसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों भी एब्सेंट है, मतलब कि नल है। एब्सेंट मतलब दे आर नल। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी आप देख सकते हो कि हमें जो अनदर फंक्शन कॉल करना है फिर से रिकर्सिवली, उसके लिए कॉल करने के बाद हमारा जो रूट नोड है वो बन गया नल। अभी रूट नोड अगर हमारा नल है तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया। ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो इफ वाला स्टेटमेंट था, इफ वाला जो स्टेटमेंट था वही अंदर नहीं जाएगा, तो हमारा ये जो फंक्शन ओपनिंग है वो यहाँ पे क्लोज होके वो फिर से रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न आने के बाद वो कहाँ पे जाता है, नेक्स्ट नोड पे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रूट अगर नल है तो हमारा फिर से रिटर्न जहां से फंक्शन कॉल किया था उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे वो रिटर्न आ रहा है। और ये नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका अभी एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ रूट नोड। प्रोसेसिंग ऑफ रूट नोड मतलब कि हमें रूट नोड डिस्प्ले करना है। कौन सा रूट नोड आपको डिस्प्ले करना है, इस वाले ब्लॉक में जो आपका रूट नोड है वो आपको डिस्प्ले करना है। तो कौन सा है आपका रूट नोड, आपका रूट नोड है बी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे बी को डिस्प्ले कर लिया। अभी इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमें फिर से इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करना है, पर इस बार हमें राइट चाइल्ड को पास करना है क्योंकि ये इन ऑर्डर है जिसपे हमने लेफ्ट तो हो गया, रूट नोड का प्रोसेसिंग भी हो गया और अभी किसके बारी है, हमारे राइट चाइल्ड की। तो बी का राइट चाइल्ड किसका राइट चाइल्ड, करंट रूट नोड का राइट चाइल्ड, इसलिए बी का राइट चाइल्ड। फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे बी का राइट चाइल्ड है नल, तो ये फिर से रिटर्न हो गया नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इफ कंडीशन जो है आपका वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। और यहाँ पे क्लोज होने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा जो है आपका क्लोजिंग ऑफ दिस इन ऑर्डर फंक्शन। अभी ये आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया फॉर नोड बी। बी के लिए आपका बी का लेफ्ट चाइल्ड भी हो गया, मतलब स्टेटमेंट वन भी कम्प्लीट हो गया है, स्टेटमेंट टू भी कम्प्लीट हो गया है, स्टेटमेंट थ्री भी कम्प्लीट हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो करंटली ये जो फंक्शन है आपका इनकम्प्लीटली एग्जीक्यूटेड है। अभी ये कम्प्लीशन स्टेट में नहीं है क्योंकि बीच में ही इन बिटवीन हमने इन ऑर्डर को फिर से कॉल करके इसको हॉल्ट करवाया है। ये अभी वेट कर रहा है कि फिर से ये कब एक्टिवेट होगा और उसके आगे वाली स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे इसका पूरा एग्जीक्यूशन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको रिटर्न जाना है इस वाले ब्लॉक से। कहाँ पे रिटर्न जाना है, जहां से ये वाले ब्लॉक को हमने कॉल किया था। तो इस ब्लॉक को हमने कहाँ से कॉल किया था, जहां तक कि रूट नोड का सवाल है क्योंकि रूट नोड से हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो रूट नोड जहाँ पे ए था वहां से हमने बी रूट नोड को कॉल किया था। और अभी बी का काम होने के बाद ये पूरा ब्लॉक रिटर्न होगा कहाँ पे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जहां से हमने कॉल किया था। तो ये जाएगा स्टेटमेंट टू पे। तो स्टेटमेंट टू हमारा क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ रूट नोड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रूट नोड कौन सा रूट नोड है अभी आपका, आपका रूट नोड है ए। तो हमारा अभी हमें ए को यहाँ पे प्रोसेस कर देना है। तो ये मैंने ए को प्रोसेस कर लिया। प्रोसेस करने के बाद ये उसके नेक्स्ट स्टेप को जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर थ्री, फिर से उसके राइट चाइल्ड को जाना है। तो कौन किसके राइट चाइल्ड को जाना है, आपके करंट रूट नोड के राइट चाइल्ड को जाना है। करंट रूट नोड आपका है ए, तो ए का राइट चाइल्ड जो है वो हो गया आपका सी। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जहां तक कि मैंने लास्ट स्लाइड पे आपको क्वेश्चन पूछा था कि बी से आपको रिटर्न ए पे जाना है, तो हमें वो कैसे जाना है, उसका सॉल्यूशन है हमारे पास अल्गोरिदम। तो रिकर्सिव अगर अल्गोरिदम हम यहाँ पे यूज करते हैं तो हमें एज अ प्रोग्रामर कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जबकि ये फंक्शन खत्म हो जाएगा बी का, वो ऑटोमेटिकली ए पे जाके रुक जाएगा।
और उसके अगले वाले स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा। तो विदाउट एनी एफर्ट हम यहाँ से बी से हम ए को मूव हो रहे हैं, जो कि आपका क्वेश्चन था लास्ट स्लाइड पे कि आप बी से ए तक कैसे जाएंगे, क्योंकि आपके पास बैक ट्रैकिंग के लिए कोई भी एड्रेस अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमें रिकर्सिव फंक्शन कॉल की मदद से ये सारी चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आपका ए भी प्रोसेस हो गया, अभी ए के राइट चाइल्ड को मूव होना है। तो ए का राइट चाइल्ड जो है सी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अभी नेक्स्ट वाली स्टेप पे क्या किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस ब्लॉक से मैं अभी नेक्स्ट ब्लॉक पे जा रही हूँ, जिस पे मेरा रूट नोड है सी। अभी रूट नोड है सी, तो अभी उसके लिए हमें क्या करना है, अभी हमें चेक करना है कि रूट नोड उसका नल है या नहीं। रूट नोड हमारा नल है, सॉरी नल नहीं है, रूट नोड हमारा है सी। तो रूट नोड हमारा नल नहीं है, तो हमें अगले वाले स्टेटमेंट पे जाना है, जहां पे मैं आपको इन ऑर्डर फंक्शन फिर से कॉल करने के लिए बोल रही हूँ, जिसपे हमें लेफ्ट चाइल्ड को पास करना है। किसका लेफ्ट चाइल्ड? आपके करंट रूट नोड का, इसका मतलब है सी का लेफ्ट चाइल्ड। तो सी का लेफ्ट चाइल्ड आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि है नल, क्योंकि फिर से हमारा सी नोड जो है वो लीफ नोड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये हो गया रूट नोड, सी का लेफ्ट चाइल्ड रूट नोड है, तो फिर से रिटर्न आ गया नेक्स्ट स्टेटमेंट को। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका प्रोसेसिंग ऑफ रूट नोड, तो ये क्या प्रोसेस करेगा, क्या डिस्प्ले करेगा, तो रूट नोड वो डिस्प्ले करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सी हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, जो कि डिस्प्ले हो चुका है। उसके बाद वो फिर से नेक्स्ट स्टेटमेंट को जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट को जाने के बाद जो राइट चाइल्ड है, वो राइट चाइल्ड हमें फिर से राइट चाइल्ड को चेक करना है, सी के राइट चाइल्ड में क्या है। अभी सी के राइट चाइल्ड में जो है वो फिर से नल है, वो फिर से रिटर्न आ गया नेक्स्ट स्टेटमेंट को, और हमारा आप देख सकते हो कि हमारा पूरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे खत्म हो गया है। ये खत्म होने के बाद फिर से वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, और अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट को जाने के बाद, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद, ये कहाँ पे जाना एक्सपेक्टेड है, तो ये फिर से जिस फंक्शन कॉल, जिस लोकेशन पे ये वाला फंक्शन कॉल किया था, उसी लोकेशन पे उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे रिटर्न जाना जरूरी है, और वो रिटर्न चाहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, वी आर रिटर्निंग बैक टू द ब्लॉक जहाँ पे हमारा रूट नोड है ए, और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ए का लेफ्ट चाइल्ड भी हो गया है, रूट नोड प्रोसेसिंग भी हो गया है, राइट चाइल्ड भी हो गया है, इसलिए ये इफ कंडीशन हमारा कम्प्लीट हो गया। और एट द एंड यहाँ पे आपका जो क्लोजिंग ब्रैकेट है इन ऑर्डर फंक्शन का, वो भी कम्प्लीट हो गया। तो इस तरह से आप रिकर्सिवली बाइनरी ट्री ट्रैवर्स कर सकते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में, इन ऑर्डर सिक्वेंस में। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्रिप्शन लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो सेशन का शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, और पूरे वीडियो सीरीज का ट्री डेटा स्ट्रक्चर का प्लेलिस्ट भी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो कमेंट देना ना भूलिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलिए। थैंक यू।